कृषि अंग्रेजी में एग्रीकल्चर, इसके सवाल और जवाब देखेंगे। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या बनता है? रोपण कृषि। रोपण कृषि, ये कृषि केवल और केवल बेचने के लिए, मार्केट में जाने के लिए, या ये कहें कि अपने खुद के सेवन के लिए नहीं होती है, या अपने खुद के उपभोग के लिए नहीं होती है, रोपण कृषि। इनमें से कौन सी रबी फसल है? उत्तर है चना, ये रबी फसल है। इनमें कौन सी एक फलीदार फसल है, फली, जिसमें फली होगी? उत्तर है फलीदार। कौन सी फलीदार फसल है? क्या मोटे अनाज है? क्या ज्वार तिल है? क्या तिल है? दालें। अगर आप दाल देखें तो वो फली बनती है और उसके अंदर से छोटे छोटे दाने निकलते हैं। सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? और इसका उत्तर है न्यूनतम सहायता मूल्य, मिनिमम हेल्प होगा इसका कॉस्ट, हेल्प कॉस्ट, लेकिन न्यूनतम सहायता मूल्य है ये। आपको 30 शब्दों में उत्तर देना है। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसके उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन दें। हम बात करेंगे चाय की, ये चाय का बागान आप देख रहे हैं। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। आपके घर में कोई आता है, आप किसी के घर जाते हैं, आप चाय ऑफर करते हैं और चाय पीते हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि जो हमारी विषुववृत्त है उसके ऊपर और थोड़ा सा और ऊपर, दोनों साइड में, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस, ह्यूमस ऑर्गेनिक खाद जो होती है जानवरों से, ये जो अर्थवर्म वगैरह से आती है, और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी। अब गहरी मिट्टी कहाँ मिलेगी? आप देखें यहाँ स्लोप देख रहे हैं आप, जो भी पहाड़ी जमीन होती है ना, वो हमेशा, या कहें अनड्यूलेटेड जो जमीन होती है उसमें जमीन की गहराई काफी होती है, तो गहरी मिट्टी और सुगम जल। सुगम यानी पानी यहाँ पर आया तो यूं बह जाना चाहिए, यहाँ इसके जमीन पे या इसके जड़ों में अगर पानी रुक गया तो ये चाय की फसल के लिए ठीक नहीं है, तो पानी आए और चला जाए। सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र, ढलवा होता है ये ढलान हो जिसमें, ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है, और चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका मतलब आर्द्रता तो हो लेकिन पाला ना गिरे, फ्रॉस्टिंग ना हो। वर्ष भर समान रूप से होने वाली, जैसे छिड़काव वाली बरसात होती है ना, साल भर चलनी चाहिए, तो वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा, इसकी जो कोमल पत्तियां हैं, ये जो कारीगर हैं, इस कोमल पत्तियों को, ऊपर की जो पत्ती होती है ना उसी को तोड़ा जाता है और यहाँ पीछे रख रही है, कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है, हम चाय पैदा भी बहुत करते हैं और पीते भी बहुत हैं। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं, यहां देखें चित्रण, जहां ये पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। गेहूं भारत की एक प्रमुख फसल है, यहां से हम उत्तर शुरू करते हैं। तो गेहूं भारत की एक प्रमुख फसल है, चावल के बाद दूसरे नंबर पर गेहूं आती है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। आपने देखा होगा पंजाब में लोग रोटी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहां गेहूं का उत्पादन बहुत होता है, उस इलाके की बात कर रहा हूं मैं। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, दक्कन पठार हमारा जो है वहां पर काली मिट्टी वाला जो इलाका है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। तो सरकार क्या क्या कर सकती है? जिस देश में 50-60% लोग, बल्कि 55-60 मैं कहूंगा, लोग केवल कृषि में या कृषि से संबंधित जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उसमें लगे हुए हैं, उस देश की सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इनके लिए, इन लोगों के लिए और इनकी रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ संस्थागत, यानी कुछ संस्था मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशनल
कुछ सुधार करें। तो कार्यक्रम क्या क्या है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या नीतियां हैं? एक तो है जो अलग अलग पार्ट है या ये कहे खेत है उनकी चकबंदी। होता यह है जैसे एक साहब है, उनके चार बेटे हुए, फिर इनके चार बेटे हो गए। अब देखिए इनके पास एक लैंड था, पहले तो ये चार भाग में बढ़ गया, फिर ये छोटा वाला फिर चार भाग में बढ़ गया, कितना छोटा हो गया ये। तो इसकी चकबंदी बहुत जरूरी है। और जो जमींदारी प्रथा चलती आ रही थी कि जमींदार के पास जमीन है, वो लोगों को काम देता है और उसके बाद वो अच्छी खासी उनसे मेहनताना लेता है और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो जमींदारी प्रथा की समाप्ति, अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति, अच्छे बीज जो अच्छी पैदावार दे सके, अच्छी क्वालिटी की बीज, गुणवत्ता जिनमें हो, उसके द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। और क्योंकि एग्रीकल्चर का मतलब केवल केवल और केवल क्रॉप उगाना या फसलें उगाना नहीं होता है, जो जानवर है, लाइव स्टॉक है, उनकी रियरिंग, उनको पालना, पोषण देना और उनके जो प्रोडक्ट्स है जैसे दुग्ध प्रोडक्ट, मांस वगैरह, वो सब भी इसी में आता है। तो पशुओं की नस्ल में सुधार करना और उनका जो दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। अगर बाय चांस कोई ऐसी चीज आती है जो प्रकृति की तरफ से आई है, बाढ़, चक्रवात, आग या बीमारी, अगर इससे फसल को कोई नुकसान होता है तो जिस किसान ने इतनी मेहनत की है उसको बीमा मिले, या ये कहें कि उसको इसका कुछ रिटर्न मिले, तो बीमा का प्रावधान। किसानों को कम दर पर ऋण दिलाना, जैसे अगर आप शुरुआत से देखें तो बहुत सारे काम होते हैं जब किसान को पैसे की जरूरत होती है, जब तक वो पैदा करे और बेचे और तब उसको पैसा मिले, है ना। बहुत समय ऐसा होता है जब उसको ऋण की जरूरत पड़ती है, तो ग्रामीण बैंक हो गए, सहकारी समिति होगी और सरकारी बैंक की स्थापना, ये सरकार के संस्थागत सुधार कार्यक्रम में है। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, और अगर उनको कोई दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि अगर एक किसान कोई दुर्घटना हो गई तो कौन देखने वाला है, अगर एक सरकारी आदमी को दुर्घटना हो जाती है तो उसको पेंशन तो मिलेगी, कोई तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई बिजनेस है तो वो अगर अच्छा खासा कमा रखा है तो वो भरण पोषण कर लेगा। लेकिन एक किसान का क्या होगा, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, उसकी योजना शुरू की गई है। और किसान क्या सुनते हैं, अपना काम करते रहते हैं, कभी खाने के समय वो आकाशवाणी देखते हैं, सुनते हैं, और दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखते हैं, तो कृषि दर्शन जैसे प्रोग्राम ये प्रसारित किए गए ताकि उनको फायदा हो, उनको पता चले कि अब क्या बोना है, अब क्या सही है, क्या मौसम सही है। किसानों को दलालों के शोषण से बचाना, क्योंकि किसान तो का काम है पैदावार करना, उसके बाद वो कहाँ बिकेगी, कैसे बिकेगी, कौन उससे फायदा उठा रहा है, तो बीच में जो बिचौलिए होते थे, दलाल होते थे, एजेंट होते थे, वो बहुत सारा मार्जिन बना लेते थे, बहुत पैसा बना लेते थे। तो उनके शोषण से बचाना, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए सरकार ने न्यूनतम सहायता मूल्य, यानी कि अगर आप क्रॉप कोई लेके आ गए सरकार के पास तो सरकार इतने में खरीदेगी ही खरीदेगी। यानी अगर एक मान लीजिए कोई किसान पैदा करता है, कोई पैदावार होती है, तो उसे ये पता है कि हाँ ये बिकेगी जरूर, मतलब मुझे इसका फायदा जरूर होगा, मेरा घर चलेगा। कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार करती है समय समय पर। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम होती जा रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो देखिए, जंगल है, जंगल, अगर कृषि की जमीन बनानी है तो जंगल काटना पड़ता है। अब वो पुराना समय था जिसके लिए हम बड़ी चिंता थे और आज भी हम कर रहे हैं। अब समस्या दूसरी आ गई है, जो कृषि के अंतर्गत भूमि है जिसमें कृषि हो रही है वो भी कम हो रही है। उसका कारण ये है कि एक तो हमारी जनसंख्या में दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है, इसके कारण कृषि भूमि में कमी आ गई है। भूमि के आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोगों तथा कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आई है। भारत की जो जनसंख्या है बढ़ती जा रही है, और इसके कारण ये देखिए, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसके लिए आपको डिमांड भी बढ़ेगी, और इसके साथ देखिए कम क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन घटता खाद्य उत्पादन, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उस तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। तो इससे खाद्य सुरक्षा, जो फूड सिक्योरिटी है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कई अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमी, वो ये मानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार, जो जो खेत है उनके आकार कम हो रहे हैं, उसके जोतों पर
यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि केवल केवल खाद्यान्न उगाए जा रहे हैं। भारत में 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर, केवल ये बहुत कम जमीन है, उसी पर निर्भर है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आ रही है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट बहुत उत्पन्न हो जाएगा और किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। ये इसके परिणाम होने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है आपको। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक सवाल में, इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करेंगे। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में कृषि बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे लोग इस कृषि से, किस कृषि इंडस्ट्री या ये कहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। देश के 60% से भी अधिक लोग इस काम में लगे हैं, यानी कि उनकी जो लाइवलीहुड है, आजीविका कहां से मिलती है, कृषि से और कृषि के साथ जुड़े हुए अलग अलग उद्योगों से। तो ये जरूरी हो जाता है कि संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार किए जाएं। तो पहली चीज तो ये है कि जमींदारी प्रथा जो थी उसको खत्म किया जाए, क्योंकि किसानों के लिए जमींदारी प्रथा बड़ी एक अभिशाप की तरह थी। इसीलिए सरकार ने क्या किया, जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकार जो थे उनको जमीन का मालिकाना हक दिया और जोतों की अधिक सीमा निश्चित कर दी गई। एक आदमी के पास कितनी होगी, वरना एक आदमी अगर पैसा है तो बहुत सारी हो सकती है उसके पास। खेतों की चकबंदी, पहले किसान के पास छोटे छोटे खेत होते थे, जो अगर आप देखें छोटे खेत पे कितना उगा पाएगा आदमी, यानी आर्थिक रूप से तो वो कोई लाभकारी होते नहीं थे, गैर लाभकारी होते थे। इसीलिए छोटे छोटे खेतों को मिला के एक चकबंदी इसे कहते हैं, मिला के एक बड़ा खेत बन जाए ताकि वहां पर पैदावार हो सके और सब इसमें हिस्सेदारी हो। हरित क्रांति, अच्छे उपज देने वाले बीज इसको उपलब्ध कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो कर रही है, जिससे विशेषकर जो गेहूं की कृषि में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, इसी को हरित क्रांति का नाम दिया गया। जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनका निर्माण करना, ताकि जो किसान है उनको सिंचाई, इरीगेशन, पानी इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके, और इसके लिए कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। फसल बीमा, होता यह था कि सूखा, बाढ़, आग, कई ऐसे कारण थे जिसके कारण किसानों की उपज नष्ट हो जाती थी, जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी, कई जो है वो सुसाइड भी करते थे। इन आपदाओं से बचने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई, तो इसके द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलने लगा, जिससे उन्हें सुरक्षा प्राप्त हुई। सरकारी संस्थाएं अब किसानों को कम ब्याज दर में, यह कहें सहायिकी, सब्सिडी, तो कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई। तो ये क्या करते, ये जो बैंक थे, अब ये महाजन जो थे ना, पहले पैसा देते थे, बहुत जबरदस्त ऋण लेते थे, हमेशा ये उनके गुलाम बन जाते थे, उनके चुंगल से अब किसान बच गए। रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा मौसम की जानकारी और जो कृषि से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो प्रसारित करना सरकार ने किया ये काम। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और जो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है, अगर किसी को नुकसान हो जाए तो उसको इंश्योरेंस का पैसा मिले। किसान को बिचौलियों, जो इंटरमीडिएटरी लोग थे, जो दलाल थे, उनके शोषण से बचाने के लिए सरकार ने जो मिनिमम क्रॉप का मूल्य है, इसे हम न्यूनतम सहायता मूल्य कहते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती रहती है। खेती में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा है, इसलिए उत्पादन में वृद्धि हुई है, और भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जिससे इन इन चीजों पे कृषि में रिसर्च हो सके, डेवलपमेंट हो सके और उत्पादन में वृद्धि हो सके। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी आपको करनी है। तो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, पूरे विश्व को जब हम एक तरीके से देखते हैं, जैसे हम अगर अकेले हिंदुस्तान को देखें या फिर पूरे पूरे ग्लोब को देखें, हिंदुस्तान उसका एक पार्ट है और बाकी देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वैश्वीकरण से तात्पर्य यह होता है कि विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे के निकट आना, एक दूसरे से बातचीत करना, मेलजोल करना
और चीजों का आदान प्रदान करना। तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीजें एक दूसरे से दूसरे देश में आने जाने लगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, जिससे ये हुआ कि जो उच्च कोटि हाई क्वालिटी की जो चीजें हैं वही बाजार में टिक पाई, बाकी जो लो क्वालिटी है वो वैसे ही साफ हो गई। तो वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव जरूर पड़े, जो इस तरीके से हैं कि भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। अलग अलग फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीजों का अधिक अधिक उत्पादन होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए अब भारतीय किसानों ने यह किया कि अब उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो भी वो प्रोड्यूस करें। तो भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन का गुणवत्ता व स्तर बढ़ाने की कोशिश की, यानी कि उसकी क्वालिटी और लेवल बढ़ाने की कोशिश की। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीजों को दूसरे देशों में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से, जो साइंटिस्ट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, उनके सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीजों की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं हो पा रहा था। तो वैश्वीकरण के कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, वो क्या है? विश्व में धनी देशों के विभिन्न विकासशील देशों से में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरी जाने लगी, भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला नहीं कर पाए, नहीं कर सकते थे और कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब आप अच्छी क्वालिटी की चीज ले आएंगे, अच्छी गुणवत्ता वाली चीज, तो आपकी गुणवत्ता अगर थोड़ी सी कम है तो आप नहीं चल पाएंगे। यही है मेन, क्योंकि अब धनी जो देश है, जो विकसित देश है, उनके पास तो टेक्नोलॉजी है, उनके पास सरकार का सपोर्ट है, और विश्व में धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। विश्व के जो अलग देश है, जैसे कृषि के जो वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो इस प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपटीशन में टिक नहीं पाए। और कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया, यानी कि जो चीजें मार्केट वैल्यू है जिन चीजों की, यानी किसानों ने वही वस्तु पैदा करना शुरू कर दिया जिसमें जिसकी मार्केट वैल्यू थी, जिसकी वाणिज्यिक वैल्यू थी, जिसकी बाजार में मांग थी, ना कि उन्होंने वो पैदा करना शुरू किया जिसके लिए जनता, मतलब जनता की आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने चीजें नहीं पैदा करनी शुरू की, बल्कि वो वहां गए जहां उन्हें पैसा मिले। और कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत में लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा था। आपको याद होगा इंडिगो, कपास, ये सब चीजें, इंडिगो मतलब नील, ये सब उपनिवेश के वाद के समय हमारे यहाँ उगाया जाता था, जबकि जो खुद के उपभोग के लिए खाद्यान्न तक किसान नहीं उगा पाते थे, क्योंकि उस पर प्रेशर था इन लोगों का। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक हैं हम। मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी, मुख्य प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी, भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी सहायकी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनना है तो छोटे किसानों की स्थिति, उनकी सिचुएशन, स्थिति सुधारनी होगी। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल का आप अनाज देख रहे हैं यहां पर, तो भारत के अधिकांश लोगों को खाद्यान्न के रूप में चावल पसंद है, लोग मैक्सिमम चावल खाते हैं, दूसरे नंबर पे गेहूं आता है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा, सेकंड नंबर पे आते हैं हम चाइना के बाद, से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है जिसको उगाने के लिए उच्च तापमान, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, और अच्छी आर्द्रता, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई के द्वारा पूरा किया जा सकता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है, और नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाए जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, चावल के लिए आदर्श मानी जाती है। नहरों के जाल और नलकूपों की जो सघनता है, नेटवर्क जो है पानी का, इरिगेशन का, उसके कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा होने वाले क्षेत्रों में भी चावल को उगाना अब संभव हो गया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। खरीफ फसल है ये। परियोजना कार्य है, ये वाद विवाद प्रतियोगिता है, तो ये आपके पास टॉपिक है, इस पे वाद विवाद कीजिएगा। इसके लिए आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर आप वाद विवाद कर सकते हैं।
भारत के मानचित्र में गेहूं उत्पादन क्षेत्र दर्शाइए। तो ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं जिसमें डॉटेड डॉटेड सा है ना, ये पूरा इलाका, ये इलाका है आपका जहां पर ये प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। और ये जो इलाके हैं यहां पर जो आप देख रहे हैं, थोड़ी सी यहां पर भी है, और ये इलाका, ये जो है गौण, मतलब प्राइमरी तो नहीं है लेकिन यहां पर भी ये बहुत ज्यादा यहां पर होता है, यानी कि अच्छा क्षेत्र है, अच्छा उत्पादन होता है, बाकी जगह भी होता है। ये जो गौण क्षेत्र कह सकते हैं इसको, ये प्राइमरी हो सकता है, इसको आप सेकेंडरी कह सकते हैं। यहां पर आपको एक कहे कि क्विज है, ये पहेली है, पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है, आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर किताब अगर आपके सामने है तो आप देखेंगे कि पहले का उत्तर है राइस एंड व्हीट, यानी चावल और गेहूं खरीफ की फसल है, दूसरे का उत्तर, तीसरे का है प्रोटीन, फिर ज्वार, ये बड़ा अनाज का सवाल है, कॉफी टी और कॉटन। तो इसको दिखाया जाए यहां पर, तो ये आपका खरीफ हो गया, ये राइस हो गया, व्हीट और टी, ज्वार, प्रोटीन, कॉफी और कॉटन। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आप सभी की।